वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं जा रही हूँ गढ़वाल अपने ससुराल, और उसके लिए हमें निकलना होगा अर्ली मॉर्निंग। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ इस शुभ जर्नी में, और अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको मिल पाएंगे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। तो आइए चलिए हमारे साथ हमारी इस जर्नी पर। वेदर बहुत ही अच्छा है, या कह सकते हैं बुरा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमें जाना है देहरादून तक, जिसमें हमें लगेंगे 10 to 12 hours। हम इतने दिन से वेट कर रहे थे, बट बारिश आज जाके शुरू हुई है जब हम घर से निकले हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि कोरोना के कारण ट्रैवलिंग, इंटर स्टेट ट्रैवलिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमने पास तो लिया है, बट देखते हैं रास्ते में क्या होता है, कहीं हमें रोका जाएगा या क्या चेकिंग होती है। मास्क भी हमें पूरा 10 hours पहन के रखना पड़ेगा। वैसे तो हमेशा जर्नी में हम 2-3 बार रुक जाते हैं कहीं पे मिडवे पे, बट इस बार हम अपना खाना पीना सब हमारे साथ ही में है। कोशिश करेंगे कहीं रुकना ना पड़े, बट 10 hours की जर्नी है, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैसे पहुंचते हैं हम देहरादून तक, और रुकना भी एक्चुअली सेफ नहीं होता हर जगह।
तो 3 आवर्स हो गए हैं और हमने अभी अभी राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया है। बॉर्डर के बाहर चेकिंग हो रही थी, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उन सबको साइड में, सारी गाड़ियों को साइड में कर दिया था। हमने मास्क पहना था तो हमें नहीं रोका, शायद अब उन लोगों का चालान या कुछ फाइन चार्ज करेंगे वो लोग। 11:15 बज गए हैं और अभी सिर्फ 3 आवर्स हुए हैं और अभी भी 7 आवर्स बाकी हैं हमें देहरादून पहुँचने में। एक्चुअली निकलना तो हमें, एक्चुअली तैयार तो हम 7:30 बजे हो गए थे, बट राजस्थान में कुछ अलग ही रिचुअल्स होते हैं इनके। बोलते हैं कि 7:45 बजे कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इस चक्कर में 7:45 नहीं, मतलब किसी भी पौने को वहाँ पे शुभ नहीं माना जाता, हमेशा 1:15 पर निकला जाता है। तो जो भी टाइम 7:45 में आता है उसे शुभ नहीं माना जाता, तो उस पे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। एक्चुअली मैंने रिचुअल्स देखे, मैंने गढ़वाल में भी देखे हैं रिचुअल, ऐसा नहीं कि गढ़वाल में नहीं होते हैं, बट राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और एक और रिचुअल्स मुझे सबसे अच्छा लगता है, जब हम इनकी मम्मी के, लाइक मेरी सासू जी के पैर छूते हैं और वो एक लिफाफा पकड़ाती है, वो तो सबसे बढ़िया रिचुअल होता है। एक्चुअली आई कैन से दैट, तो जब भी घर से जाते हैं हम लोग, मतलब बेटी ससुराल जाती है तो वहाँ पे कुछ शगुन दिया जाता है बेटी और जमाई दोनों को, तो ये उसी रिचुअल की बात कर रहे हैं। अभी हम बहरोड में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं मानेसर। ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है अभी। जाना सेफ होगा यहाँ। लास्ट टाइम हमारा टायर ब्लास्ट हो गया था, इस टाइम हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। रेलवे पे डरते हुए हम कुछ खा भी नहीं रहे हैं। तो ये भैया हमारे लिए संकट मोचन भगवान की तरह आए हैं। एक्चुअली गाड़ी पंचर भी बहुत ही अच्छी जगह हुई है, अब वाइफ ने पंचर देख लिया, मेरे से नज़र ही नहीं पड़ती, बट आई वी डिडंट इवन फील की गाड़ी पंचर थी। भैया बहुत बड़ी कील थी क्या, क्या था फिर, बॉल निकल गई थी, जल गई थी, अब तो नहीं होगा, नया नया डाल दिया। अच्छा, तो भैया बोलते हैं कि ये वॉल्व इसकी गर्म हो गई थी और वो निकल गई थी या जल गई थी इस कारण से, पर पंचर नहीं हुई गाड़ी, तो डेट्स अ गुड थिंग। सो अभी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है, वी आर रेडी टू गो नाउ, सी यू इन अ व्हाइल। सो हमारा ब्रेक का ब्रेक हो चुका है और वाइफ गॉट अ कॉफी। इन द मीनवाइल क्या करते हैं हम, तो हमने कॉफी ले ही ली है। सो बेस्ट हमें यही लगा कि कुछ खाया ना जाए और कॉफी यहाँ गाड़ी के अंदर ही पी जाए, सो डैट फॉर द सेफेस्ट। एंड इवन मन्नत में मुझे इतना कुछ हाइजीनिक टाइप में सैनिटेशन वाइज कुछ दिखा नहीं। सो गाइज एक्चुअली डोंट बिलीव दिस सैनिटाइजर्स एंड ऑल, आई डोंट फील वेरी गुड व्हेन आई अप्लाई देम, सो यूज योर ओन सैनिटाइजर्स एज फार एज यू वॉन्ट टू फील गुड अबाउट इट, अदरवाइज दी सैनिटाइजर आर नॉट गुड एट ऑल, बट होटल्स एंड यूज मे बी चीप वंस। सो वी आर रेडी टू गो, मौसम दोबारा से कुछ अच्छा सा हो चुका है, गर्मी है बट स्टिल मैनेजेबल है, ए सी इज़ फुल ऑन। और हमने ये वाटर बॉटल भी ली है, ये है हमारी मिट्टी की वाटर बॉटल, उसमें पानी बहुत ही कूल रहता है। आई जस्ट हैड इट, वेरी गुड, आप भी अपने साथ लेके चलिए। तो हम निकलते हैं जल्दी से ताकि हम टाइम से देहरादून पहुंच जाएं। सी या। हमने जस्ट एंटर किया है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि 110 किलोमीटर लंबा है। तो गाइस व्हाट आई सजेस्ट इज, कभी आप जयपुर टू देहरादून या फिर देहरादून टू जयपुर जाएं तो आप हमेशा वेस्टर्न पेरिफेरल में जाएं, दिल्ली घुसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। एंड बेटर इज गो थ्रू द जीपीएस, वो आपको बेस्ट लोकेशन से और बेस्ट रास्तों से लेके जाता है, दैट्स व्हाट आई, इट्स माय फेवरेट एक्चुअली। तो दिल्ली में घुसते ही आपको 2 घंटे कहीं आपके कहीं नहीं जाते, आप अनलेस यू रीच गुड़गांव आपको 2 या 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर। Oh, 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 oh,
होप आपको हमारा तीज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि तीज का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे लास्ट ईयर, इसलिए हमने इस बार सोचा कि लाइव करते हैं। तो ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइव हमने गणगौर पे किया था और इस टाइम हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था। तो हमें लाइव करना बहुत अच्छे से नहीं आता है अभी, तो हमने ट्राई किया था, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तीज के पहले दिन सिंजारा बनाया जाता है जिस पर लगाई जाती है मेहंदी। हमेशा तो हम मेहंदी वाली को घर पर बुलाया करते थे क्योंकि वे बहुत जल्दी और अच्छी मेहंदी लगा देते हैं, बट इस बार नहीं बुलाया कोरोना की वजह से, तो सबने अपने आप से ही मेहंदी लगाई है। तो मैंने अपना वीडियो देखकर ही मेहंदी लगाई थी, जो मेरे वीडियो में ऑलरेडी है लास्ट ईयर में, कोशिश की थी वैसी ही लग जाए और काफ़ी हद तक लग भी गई है क्योंकि काफ़ी ईजी मेहंदी थी। दूसरा हाथ भी दिखाओ जिसमें मैंने ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। ये मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइन है, ये बहुत ही टिपिकल मेहंदी डिज़ाइन है, ये अच्छे खासे लोगों से नहीं बन पाता है। और जैसे भी लड़की अपने ससुराल जाती है तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में ट्रेडिशन है कि वह मेहंदी लगा के ही जाती है। तो मैंने सिंजारे पे मेहंदी ऑलरेडी लगा रखी थी तो मुझे दोबारा नहीं लगानी पड़ी। अदरवाइज जब भी हम पीहर से ससुराल जाते हैं तो मेहंदी लगाने का एक ट्रेडिशन है। ये कुछ छोटे छोटे ट्रेडिशंस और बातें होती है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, हमें भी हमारे मदर ने ग्रैंड मदर ने बताया, वही हमें बताते हैं कि क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जो जो मुझे पता है हमारे ट्रेडिशन के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशन के बारे में शेयर करना ये सब बातें। तो जब भी आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे ट्रेडिशन के बारे में, कोई भी कस्टम या रिचुअल के बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसे बताना। तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे ट्रेडिशन को लोग इतना वैल्यू करते हैं, लोग उसे जानना चाहते हैं। तो हमने क्रॉस कर लिया वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अब हम एंटर कर गए हैं मेरठ में। थर्टी हो गए हैं और हमें दिखने लगी है पहाड़ियाँ, इसका मतलब हम एंटर हो रहे हैं उत्तराखंड में, और यहाँ से हमें लगेगा वन आर। अभी सिग्नल चला जाएगा क्योंकि अभी पहाड़ चालू हो जाएंगे, सो उसके बाद प्रोबेबली फॉर हाफ एन आवर सिग्नल नहीं रहता है क्योंकि आप पहाड़ों में होते हैं। एंड फाइनली व्हेन यू एंटर द देहरादून सिटी तो दोबारा से सिग्नल आ जाएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 बजे से पहले एंटर हो जाएं देहरादून, क्योंकि उसके बाद चेकिंग ज़्यादा होती है। अभी हमें रास्ते में कहीं रोका नहीं गया है, 2 जगह चेकिंग हो रही थी बट हमारे को शायद मास्क देखकर हमें नहीं रोका गया, हम निकल गए हैं। अब देहरादून की लास्ट बॉर्डर है, देखते हैं वहाँ पर हमें कुछ चेकिंग होती है या नहीं होती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं 7 बजे से पहले देहरादून एंटर करने का।
होप आपको भी ये जर्नी उतनी ही एक्साइटिंग लगी होगी जितना कि ये हमारे लिए थी। हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए खमागनी।